नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। रामपुर तिराहा कांड में 3 दशक बाद फैसले की घड़ी नजदीक है। अदालत ने फैसले की पहली पत्रावली 15 मार्च के लिए नियत की थी। पत्रावली में पीएसी के 2 सिपाहियों पर मुकदमा चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने दोनों सिपाहियों को दोषी करार कर दिया है और 18 मार्च को दोषियों की सजा के लिए फैसला सुनाया जाएगा। उधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, रामपुर तिराहा कांड में सीबीआई बनाम मिलाप सिंह की पत्रावली में मुजफ्फरनगर के अपर जिला और सत्र न्यायालय संख्या 7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने दोनों को दोषी ठहराया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बता दें कि 1 अक्टूबर 1994 को अलग राज्य की मांग के लिए देहरादून से बसों में सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले थे। देर रात रामपुर तिराहा पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया। आंदोलनकारी नहीं माने तो पुलिस कर्मियों ने फायरिंग कर दी। बस में सवार महिला ने आरोप लगाया था कि वो आंदोलन में हिस्सा लेने आई थी, वो बस में सवार थी। तभी दोनों सिपाहियों ने बस में चढ़कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और 1000 रुपए लूट लिए। सीबीआई ने इस मामले में पीएसी के सिपाही मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप को आरोपित बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। दोनों आरोपी पीएसी गाजियाबाद में सिपाही थे। अब इन दोनों सिपाहियों पर फैसला आया है और दोनों दोषी करार है। इसको लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आपको सुनाते हैं। देखिए, तो बहुत प्रतीक्षित था रामपुर तिराहा जो कांड हुआ था, और तमाम लोग, हमारी माँ बहनें अब भी अपमान का घूंट सहन कर रही हैं। निश्चित रूप से जो कोर्ट का फैसला होगा उसकी हमको प्रतीक्षा है। सर, लोकसभा हरिद्वार में इस समय आपके प्रतिद्वंदी आपके सामने खड़े हैं। एक समय आपकी जब मुख्यमंत्री कार्यकाल में आपने उनको जेल भेजा था पत्रकार के समय, आज वो विधायक है, लोकसभा में आपके सामने खड़े हैं। हमने किसी पत्रकार को जेल नहीं भेजा है, किसी भी पत्रकार को जेल नहीं भेजा है। अगर किसी ने अपराध किया है तो ऐसे सैकड़ों लोग जेल में भेजे हैं। किसी ने समाज के साथ कोई अन्यायपूर्ण काम किया है जो कानूनी दृष्टि से गलत है तो उन पर कार्रवाई हुई है। चुनौती स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस ने अभी अपना चेहरा साफ नहीं किया है वहाँ पर? नहीं, अभी कांग्रेस की हमको प्रतीक्षा है कि कौन सामने आते हैं, लेकिन जीतेगी भाजपा ही। आपके मुख्यमंत्री काल में 1 साल पहले आपको कार्य मुक्त कर दिया गया, तो उस पर आपने जवाब नहीं दिया तक, क्या वजह रही? कोई जरूरत नहीं है, होता रहता है राजनीति में। एक एक सेशन में 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बदले, कोई बड़ा फैसला था, फैसला आने वाला है सर, क्या? मैंने कहा हमको उसकी प्रतीक्षा है। कैसे क्या लगता है सर, उत्तराखंड उसकी प्रतीक्षा करते हैं आप? 100%। फिलहाल अंत में आपको अधिवक्ता राजीव कुमार शर्मा का बयान सुनाते हैं। बता दें, रिपोर्ट मुजफ्फरनगर से नागरदत्त शर्मा ने भेजी है। 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसे हम रामपुर तिराहा कांड के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर आतताइयों द्वारा अत्याचार किया गया था। इस संबंध में एक मुकदमा थाना छपार पर दर्ज कराया गया था। उसकी विवेचना सीबीआई ने की। तमाम साक्ष्य संकलन के बाद चार्जशीट मान्य न्यायालय में दाखिल की गई थी। अभियोजन द्वारा पुरजोर पैरवी इस मामले में की गई। 30 वर्ष का लंबा इंतजार के बाद आज इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा जजमेंट सुनाया गया है। इसमें पैरवी करते हुए सीबीआई के अभियोजक दारा सिंह, हमारे एडीजीसी प्रवेंद्र कुमार ने मजबूत पैरवी माननीय न्यायालय में की। कुल 18 गवाह माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए। 2 लोगों के खिलाफ ये मामला मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ, इसमें चार्जशीट दाखिल की गई थी। कुल 18 गवाह इस मामले में प्रस्तुत किए गए। सभी पुलिस प्रपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष साबित कराए गए। दोनों पक्षों के साक्ष्य और दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा आज इस मामले में अपना निर्णय सुनाया गया है। दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया गया है और गिल्टी होल्ड करते हुए इसमें सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 18 तारीख नियुक्त की गई है। कौन सी कोर्ट में चल रहा है मामला? ये मामला माननीय न्यायालय ADJ 7 श्री शक्ति सिंह जी के यहाँ विचाराधीन था। हाईकोर्ट के आदेश से ये मामला 1 वर्ष पूर्व श्री शक्ति सिंह जी को सुपुर्द किया गया था और लगातार बहुत मजबूत तरीके से इस मामले को उन्होंने सुना है और पूरे साक्ष्य, पूरी बहस को दोनों पक्षों के सुनने के बाद आज इस मामले में अपना निर्णय सुनाया है। क्या धाराएं थी, किन धाराओं में आज? 376, 354 और 509 में दोनों अभियुक्तों को दोष सिद्ध माना गया है। क्या इसमें कोई और भी दोषी है? केवल 2 ही लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई थी,
दोनों लोगों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सीबीआई द्वारा संकलित करते हुए चार्जशीट दोनों लोगों के खिलाफ ही दाखिल की गई थी और आज दोनों ही लोगों को दोषी माना गया। लगभग कितना समय बाद आज ये लगभग 30 साल इस मामले को चलते हुए मामला लंबित रहा और पिछले एक साल से इस मामले की सुनवाई में गति आई थी, तब इसे एक साल के अंदर इस मामले में न्यायमान्य न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के बाद आज इस मामले को अपने अंजाम तक पहुंचाया। ये किस पोस्ट पर थे जिन्हें जब पीएससी के दोनों पीएससी के कांस्टेबल थे और 41वीं वाहिनी में दोनों उस समय तैनात थे।